balançou, a brisa subiu pra mente. Garrafa caiu no chão e hoje eu tô menor do pé. Balançou, a brisa subiu pra mente. Garrafa caiu no chão e Hey guys, welcome back to the technical के YouTube channel. So guys, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिम्बा करैक्टर के बारे में कि भाई ये कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, इंडिया सर्वर में कब आएगा, इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, कि ये क्या करता है, इसको अनलॉक करने का फ़ायदा है या नहीं, तो बताते हैं पूरी वीडियो के अंदर. ठीक है ना गाइस, ये बाकी सर्वर में आ चुका है और इंडिया सर्वर काफ़ी लेट है, अभी तक वहाँ नहीं आया है, तो उसके बारे में मैं बताता हूँ. तो गाइस हमारे यहाँ पर नहीं आया, ये बाकी सर्वर में 40 डायमंड का है. लो पहला बॉक्स गिरा, पर स्किन मिला मेरे को इसका, पूरा वो नहीं मिला, बंडल नहीं मिला, मतलब कि कपड़ा मिला है, कुत्ता नहीं मिला, यूँ मान के चलो. लोल तो दिखाता हूँ मैं आपको पेट के अंदर जाके स्किन्स में ये देखो, ये वाला स्किन मिला है मेरे को, बट इसका कपड़ा नहीं मिला. जब तक कपड़ा नहीं मिलेगा, मतलब कि कपड़ा मिला, जब तक पैट नहीं मिलेगा तो कपड़ा किसको पहनाऊंगा भाई. तो पहले पैट अनलॉक करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं. ठीक है ना, तो देखते हैं कितने करेक्टर में, कितने स्पिन्स में मिलता है. तो चलो यार पहले स्पिन करते हैं, उसकी क्वालिटी बताता हूँ क्या करता है ये. और इंडिया सर्वर में काफ़ी अच्छे इवेंट चल रहे हैं, उसके बारे में मैं बताऊँगा. तो बॉक्स गिरा, कुछ नहीं मिला. लोल, दोबारा एक और 40 का स्पिन करते हैं. रूल है 3 स्पिन करेंगे, 40 40 40 के, फिर 10 स्पिन करेंगे, फिर करेंगे 1 2 3 स्पिन ऐसे. ठीक है ना, ये रूल है, हमेशा फॉलो करो, ज़्यादातर चांसेस होते हैं कुछ ना कुछ निकलेगा यार. तो क्या मिला, दोबारा वही निकल गया, पैट नहीं निकला, कोई बात नहीं. रूल क्या है, 3 10 1. तो अब लास्ट वाला करते हैं अपना, इसमें उम्मीद होती है मिलने के. तो चल भाई मिल जा, ये लो गोल्डन बॉक्स, बुइया मिल गया गाइस हमको सिम्बा करैक्टर. ट्रिक वर्क करी, काफ़ी सही वर्क करती है यार ये वाली ट्रिक. तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, अगर आप कोई भी चीज़ निकालें, पेट पे नहीं, कोई भी चीज़ निकालें, 1 2 3 स्पिन करें, फिर 10 स्पिन करें, फिर 1 2 3 स्पिन करें, बस 15 स्पिन करें, इससे ज़्यादा स्पिन मत करें. ज़्यादातर चांसेस होते हैं मिलनी है तो 15 स्पिन में मिल जाएगी, वरना नहीं मिलेगी. तो ये हो चुका है हमारा करैक्टर अनलॉक गाइस. आप देख सकते हैं कितना मस्त, दिखने में कितना मस्त है. अब इसकी क्वालिटी कितनी मस्त है उसके बारे में हम लोग आपसे बताते हैं. तो चलो भाई साहब, मेरे को मिल गया हमारा सिम्बा करैक्टर भाई साहब, सिम्बा. तो और इसके अंदर कुछ भी नहीं है, एक करैक्टर था, कुछ और ऐड नहीं करा, जस्ट किटी का इमोट, करैक्टर, डॉग, पेट स्किन, सब बस यही है इसके अंदर, पेट फूड वगैरह वगैरह कुछ नहीं है. तो चलो हम पेट की तरफ चलते हैं, हम इसका नाम चेंज करते हैं और इसको करते हैं लेवल मैक्स का, मतलब कि मैक्स लेवल का, कि इसके सारे इमोट्स अनलॉक करते हैं. तो चलो भाई यहाँ नाम रखते हैं सिम्बा का, कुछ भी रख दो, आई हेट यू रख देते हैं चलो. ठीक है ना, क्योंकि मेरे पुराने पेट का नाम भी यही था, तो मैंने इसका भी ये रख दिया, क्योंकि पहला नाम अब फ्री में मिलता है. तो अब बात आई कि इसको अपग्रेड करने की, तो 5 पेट फूड है, तो अपग्रेड हो ही जाएगा आई थिंक 5 पेट फूड में, देखते हैं कितना आएगा. चल भाई चल गुरु हो जा शुरू. इमोट्स काफ़ी सही हैं यार इसके, ठीक ठाक इमोट है, मतलब कि ओवरऑल 4 लेवल के बाद आपके सारे इमोट्स अनलॉक हो जाते हैं. तो हमको पहले तो इसको 4 लेवल का करना पड़ेगा, क्योंकि इसके इमोट्स अनलॉक करने हैं. तो हो गया हमारा लेवल 2 का, 2 पेट फूड में लेवल 2 का हो गया, और 2 और पेट फूड में लेवल 3 का हो गया. तो एक और अब इसके अंदर शायद से 5-7 पेट फूड खिलाने पड़ेंगे लेवल 4 का करने के लिए. तो 10 के 10 खिलाए ये लीजिए भाई, लेवल 4 का हो गया, सारे के सारे इमोट्स अनलॉक हो गए पेट के. अब हमारा पेट बिल्कुल तैयार है लोबी के अंदर जाने के लिए, तबाही मचाने के लिए. तो चलो भाई साहब, हो चुका है हमारा पेट रेडी. इमोट्स देख लो भाई, ये इसके इमोट्स हैं, ठीक ठाक इमोट है, इतने गंदे भी नहीं, ठीक है. पर इसकी स्पेसिफिकेशन है जो, वो मतलब कि सेटिस्फाइंग नहीं है. तो अब हमारा पेट हो चुका है रेडी. ओक्यूपाई करना भूल गया, आ जा ओक्यूपाई पे बटन दबाओ. अब हमारे पास पेट आ चुका है, पेट इज़ रेडी टू जॉइन बैटल विद अस. चलो गाइस, ठीक है ना, ये हो गया हमारा पेट. अभी हम इसको लोबी में लेके जाते हैं और देखते हैं कि भाई इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, और इसके बारे में और भी बताता हूँ गाइस. ठीक है ना, तो ओवरऑल ये पेट काफ़ी सही है, लुक वाइज स्किन भी काफ़ी अच्छा है. इंडिया सर्वर में मैं बता देता हूँ किस वे में आएगा गाइस, ये ज़्यादातर इंडिया सर्वर में आएगा टॉप अप इवेंट के द्वारा, मतलब कि आपको कुछ 200-300 डायमंड का टॉप अप करना पड़ेगा तो आपको मिल जाएगा ये इवेंट. ठीक है ना, ये पेट मिल जाएगा आपको अगर आप 200-300 डायमंड का टॉप अप करते हैं. तो इस वे में ये पेट आएगा, आपको बिना टॉप अप के नहीं हो पाएगा ज़्यादातर, क्योंकि अब आप देखेंगे इंडिया सर्वर के अंदर कि लोड आउट के अंदर A1-4 का करेक्टर आ चुका है. मतलब कि वहाँ पर पहले इंडिया वालों ने टॉप अप के अंदर दिया कि कुछ डायमंड का टॉप अप करो तो वहाँ पर आपको A1-4 करेक्टर फ्री मिल जाएगा. बट अब क्या हुआ है कि A1-4 करेक्टर का इन्होंने स्पेशल रॉयल बना दिया, जैसे डायमंड रॉयल है वैसे ही आप देखेंगे इंडिया सर्वर में वहाँ रॉयल बना हुआ है, रॉयल. ठीक है ना, उसको स्पिन करके आप 1-4 करेक्टर निकाल सकते हैं.
तो आई थिंक जब 90% चांसेस है टॉपअप इवेंट में आएगा। टॉपअप का भी कॉस्ट मैं बता देता हूँ कि गाइस इसका टॉपअप कॉस्ट होगा 650 डायमंड तक का। फर्स्ट डायमंड पे आपको मिलेगा कुछ ना कुछ, सेकंड डायमंड पे आपको मिलेगा थर्ड, और थर्ड टॉपअप पे मिलेगा आपको इसका स्किन। तो इस वे में टॉपअप इवेंट आएगा अप्रोक्स 650 डायमंड के क्रॉस आएगा, ठीक है ना गाइस। अब मैंने पैट ऑक्यूपाई कर लिया, मैं लोबी के अंदर आ चुका हूँ गेम के अंदर। तो मैं गेम खेलता हूँ, तो अब ये क्या करेगा मैं आपको बताता हूँ। ओवरऑल जैसे ही मैं पूरा गेम खेलूँगा घूमूंगा तो जहाँ पर भी मशरूम होएगा गाइस ये मैप पे मार्क कर देगा कुछ सेकंड्स के लिए, ठीक है ना। कुछ सेकंड के लिए मैप के ऊपर मार्क कर देगा कि भाई ये देखो आपका मशरूम आ चुका है। तो ओवरऑल ठीक है, मतलब कि आपका मशरूम बता देगा, चलो भाई सही चीज़ है। तो पर अब मैं ये बताता हूँ इसका डिसएडवांटेज क्या गाइस। अगर देखो कि अब आपने इसको ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है ना, तो आपको सिर्फ ये मशरूम की लोकेशन बताएगा इतनी देर के अंदर। इससे अच्छा तो आपको योर करेक्टर यूज़ कर लो ना। मशरूम का यार लोकेशन आपको बता कर कि करना ही क्या है, आपको ऑलरेडी मशरूम का लोकेशन पता होता है भाई साहब, तो आपको मशरूम का लोकेशन करना ही क्या है। फॉर एग्जांपल आप 3-4 दिन गेम खेलेंगे रेगुलर, तो आपको सारे ज़्यादातर लोकेशन का पता लग जाएगा मशरूम वहाँ वहाँ है। तो आई थिंक इस पैट का इतना फ़ायदा नहीं हो सकता, क्योंकि देखो आप अगर मीगुल करेक्टर यूज़ करते हैं तो आपको मशरूम की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। और अगर आप पांडा यूज़ करते हैं तब भी यूँ मान के चलिए आपको मशरूम की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पांडा से क्या होता है अगर आप किसी भी बंदे को मारते हैं तो पांडा क्या करता है उसकी किल करने के बाद आपकी ईपी थोड़ी एचपी थोड़ी सी बढ़ा देता है, एचपी आपकी 7 कर देता है, 7 और बढ़ा देता है। मतलब अगर मेरी 1763 है इस टाइम, अगर मैं किसी को किल करूँगा तो मेरी 170 ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो आई थिंक ये पेट यूज़लेस ही मान के चलो हमारे लिए होएगा, बिकॉज अगर हम पेट अनलॉक कर रहे हैं हमको ऐसी स्पेसिफिकेशन दो जो हमको गेम में फ़ायदे में लाए। अब आपको यार लोकेशंस का तो पता ही होता है, सबको अपनी लोकेशन का पता है कि मशरूम कहाँ पर मिलेगा, तो आप वहीं वहीं जाइए। तो फॉर एग्जांपल अब मेरे को पता है यहाँ मशरूम मिलेगा तो मैं यहाँ आ रहा हूँ, अगर किसी ने ईट कर लिया तो वो मेरे को दिख जाएगा, पेट की जरूरत नहीं है उसके लिए, ठीक है ना। ये है यार, आई थिंक आप भी कमेंट करके बताइए कि ये पैट ठीक है या नहीं है, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। कुछ नहीं पता मेरे को, तो मेरा तो मन है लेने का बट इसको यूज़ ना करने का। पांडा अपना बेस्ट है, पांडा से साथ बढ़ता है एचपी एक किल के बाद, तो ओवरऑल ठीक है ना। चलो तो हम वेस्ट अपग्रेड करते हैं गाइस, देखते हैं आप मशरूम इसको। अब मैं हीली मशरूम से करूँगा, चलो 163 हेल्थ है 163, तो अब ढूंढते हैं मशरूम को और मशरूम से अपना हेल्थ को बढ़ाएंगे, चलो गाइस, ठीक है ना। ये मेरे को तो थोड़ा डिसअपॉइंटेड लगा कि इसके अंदर थोड़ी सी और एबिलिटी डाल देते तो अच्छा रहता, कोई ना कोई की इंस्टार्ट एचपी, मतलब कि आपको ईपी ही देता रहता भाई। अगर हम कोई किल करें ये ईपी दे देता हमको, 10 ईपी दे देता ना हर किल पे ये, तब भी अच्छा रहता। बट ये क्या कर रहा है, ये हमको सिर्फ मशरूम की लोकेशन बता रहा है। आप देखिए मैप के अंदर पोंची नोक के अंदर इसने मशरूम की लोकेशन बता दी है हमको, ये देखो, ठीक है ना। तो इसने मशरूम की लोकेशन हमको बता दी। अब ये मशरूम की लोकेशन ये नहीं इसने बता दी तो यही रहेगा। अब ये मशरूम देखो ब्लिंक करेगा कुछ सेकंड तक रहेगा, मतलब कि इसका एबिलिटी है कि 20-25 सेकंड तक ये मशरूम की लोकेशन बताएगा, उसके बाद लोकेशन गायब कर देगा। इस वे में गाइस ये है, तो आई थिंक ठीक है यार, नॉट सो गुड मेरे लिए, इतना अच्छा नहीं है यार ये करेक्टर। आप भी कमेंट करके शुरू बताइए, ये देखिए मशरूम मिल गया मेरे को यहाँ पर, इसने यहीं आसपास लोकेशन बताया, तो डेफिनेटली सबको पता होता है कि यहाँ मशरूम होता है। तो भाई अगर ये नहीं पता था तब भी हम यहीं आके खाते मशरूम भाई। मैं इसको लाया ही इसलिए कि मैं चेक करना चाहता था कि भाई यहाँ मशरूम है भी या नहीं है, है तो मैंने खा लिया, नहीं होता तो मैं देख दूर से दिख जाता, मैं बाहर कहीं और चला जाता, सिंपल, ठीक है ना। तो गाइस मेरे को तो इतना मज़ा नहीं है इस कैरेक्टर में। अब चलते हैं भाई हम इंडियन इवेंट्स के अंदर, जो इंडिया में इवेंट चल रहे हैं उसके बारे में हम लोग बताते हैं आपको कि आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी और कब कब मिलेगी और क्या क्या मिलेगा और फ्री मिलेगा, लूट लो, ठीक है ना गाइस। इंडिया के अंदर इवेंट चल रहे हैं काफ़ी मस्त वाले, तो उसके बारे में हम लोग आज आपसे बात करेंगे। तो गाइस बिल्कुल स्टार्टिंग से बताता हूँ हमको, जैसे ही हम गेम ओपन करते हैं क्या इंटरफेस हैगा, किसको क्या क्या मिलेगा, क्यों क्यों मिलेगा, कब कब मिलेगा, ठीक है ना गाइस। तो चलो यार गेम हमारी ओपन हो रही है, गेम स्टार्ट करते ही बैनर्स आ जाते हैं इवेंट के, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ वो इवेंट में क्या है, क्या क्या, कब कब, क्यों क्यों मिलेगा, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट आता है गेम ओपन करते ही बैनर ये वाला, जिस पे लिखा आएगा कि आपको मिल रहे 360 डायमंड के अंदर। जी हाँ गाइस, ये सिर्फ 360 डायमंड में, कंफर्म करो 360 डायमंड में मिल जाएगा, बट मिलेगा किसको, जिसने प्री ऑर्डर कर रखा था 60 डायमंड का प्री ऑर्डर करा हमने 360, अब हमने पे करे 420 में क्रॉसबो की स्किन प्लस में इतना मस्त बंडल मिल गया, तो लूट लो। सेकंड आता है 25 अगस्त क्लेम वाला, तो गाइस जिसमें करेक्टर्स है आपको फ्री में मिलेंगे गाइस, ये देखिए बिल्कुल फ्री में करेक्टर्स मिलेंगे 25 अगस्त, बस आपको ऐसे टिक कर देना, सब पे टिक नहीं होगा, देखिए सिर्फ एक के ऊपर टिक होएगा एक टाइम पे,
यहाँ से आप जो भी ले सकते हैं, मेरे पास ऑलरेडी सारे करेक्टर्स हैं क्योंकि इन्होंने करेक्टर वही रखे हैं जो ज़्यादातर हों सबके पास। तो अब आपको क्या लेना है, आप इसका वाउचर ले सकते हैं, ठीक है ना। ये देखो मैंने आपको बताया था लोड आउट आ चुका है मेगा लक में, ये A124 का, तो इसलिए अब यहाँ सिम्बा करेक्टर तो आने से रहा, इसलिए हमको वो टॉपअप इवेंट में देंगे, ठीक है ना। टॉपअप इवेंट में हमको ईजिली सिम्बा करेक्टर मिल जाएगा। तो अगर आप ये तीन स्पिन करके ट्राई करना चाहते हैं A124, तो आप डेफिनेटली करिए, इससे ज़्यादा स्पिन मत कीजिएगा, वेस्ट हो जाएंगे आपके डायमंड्स, ठीक है ना गाइज। तो ये हमारा चल रहा है फीचर चैनल्स का, कि यहाँ जो भी चैनल है यूट्यूब पे उनके बारे में बताया जाता है, तो आप विजिट कर सकते हैं सारे चैनल्स को, ठीक है ना। तो ये मैंने ऑलरेडी परचेज करके दिखाया आपको भाई कितना मस्त है। सिर्फ देखो 360 डायमंड के अंदर मेरे को क्रॉसबो की स्किन और ये बंडल पूरा का पूरा मिल गया। तो गाइज ये मेन दो इवेंट चल रहे हैं। अगर आपने प्री ऑर्डर करा था तो डेविल हंटर आपको फ्री में मिल जाएगा। सेकेंड थिंग, अगर आपने करेक्टर के ऊपर क्लिक करा तो 25 को आपको करेक्टर मिल जाएगा, ठीक है ना गाइज। बाकी जो भी इवेंट्स आए हैं उनके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपको ये पूरा करना है तो क्लैश कोड मोड खेलिए, तो ये भी आपका मिशन पूरा हो जाएगा। मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। तो गाइज अगर आपको वीडियो आती है पसंद तो करना क्या, लाइक मारना, कमेंट मारना, शेयर मारना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, अस्तला विस्तला तंबूरा।